हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं, गवर्नमेंट बीएमएस की भी और साथ में जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस है, यानी कि जो मेरी नजर में अच्छे कॉलेजेस है, उनकी भी मैं आज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि थर्ड राउंड की क्या कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि आप सभी के मन में ये सवाल है, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के डाउट भी आ रहे कि सर मेरे इतने मार्क्स है तो क्या मुझे गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज या गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या जो टॉप के कॉलेज जैसे की बात करते हैं सुखदीप हो गया, एलएन हो गया, आरटी हो गए, हाँ श्री साई हो गया, तो ये कॉलेजेस मेरे को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो आज आपका ये जो डाउट है कि मेरे को थर्ड राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है स्टूडेंट्स के मन में बेचैनी हो रही है ना, स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, स्टूडेंट्स को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है थर्ड राउंड काफी रिस्की रहने वाला है। यानी कि थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी सीट सेफ नहीं रहेगी, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट तो कर लेंगे लेकिन आपकी जो सीट है वो सेफ नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स के मन में काफी ज्यादा डर है, ठीक है। और इसी चीज को देखते हुए मैंने आप सभी के लिए थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो पूरी फ्री कर दी है। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं आपको थर्ड राउंड में फ्री में गाइड करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, यानी कि आपके मार्क्स पर, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं आपके लिए बेस्ट चॉइस फिलिंग लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरे से पर्सनली चॉइस फिलिंग चाहिए तो बिल्कुल आपको पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को पर्सनली आपका नाम है ना, आपका मार्क्स, आपकी कैटेगरी ये मेरे को सेंड कर दीजिए। कल आप मेरे को सब लोग कॉल कर लेना पर्सनली, मैं आप अभी फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कल मैं मैसेज डाल दूंगा कि इतने से इतने बजे आप मेरे को सब कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैं चॉइस फिलिंग करूंगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैंने चॉइस फिलिंग फ्री कर दी है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट बीएमएस की कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो बीएमएस की कट ऑफ है उसके लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बीएचएमएस में हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाए किसी किसी कैटेगरी में, क्योंकि मैंने आपको सेकंड राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी तो आपकी जो थर्ड मतलब सेकंड राउंड की जो बीएमएस कट ऑफ थी वो तो एकदम एग्जैक्टली वही गई थी, ठीक है। वैसे अगर मैं इस राउंड में जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ तो बीएमएस की तो गारंटी है कि वही कट ऑफ जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीएचएमएस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है और जो मैं प्राइवेट की कट ऑफ बताऊंगा उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो आप सबसे पहले बीएमएस की कट ऑफ देखिए, ठीक है। तो अगर मैं गवर्नमेंट बीएमएस की सीट्स की बात करता हूँ तो टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी वैकेंट है, 44 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। टोटल सीट्स थर्ड राउंड के लिए 44 सीट्स वैकेंट है, बाकी सारी सीट क्या हो गई है, फुल हो गई है। तो इसको देखते हुए है ना, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 515 रहने वाला है ना थर्ड राउंड का, ईडब्ल्यूएस का 512, ओबीसी की बात करते हैं 510, एससी की बात करते हैं 400, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 310। तो ये आपकी गवर्नमेंट बीएमएससी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इनमें से जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप प्लस माइनस 3 कर सकते हो, प्लस माइनस 3 कर सकते हो, यानी कि प्लस 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। वह अगर मैं एससी एसटी की बात करता हूँ तो एससी एसटी में 5 नंबर है ना, प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं, यहाँ पर 5-6 नंबर एससी एसटी में ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये जो कट ऑफ है इसके आसपास ही रहने वाली है। अगर आपके पास इसके आसपास मार्क्स है तो आप मेरे आपको सेफ जोन में है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे से चॉइस फिलिंग करानी है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट बीएचएमएस की। तो गवर्नमेंट बीएचएमएस की टोटल सीट्स जो वैकेंट है वो कितनी है, 12 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम जनरल की बात करते हैं 490, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 460, ओबीसी की बात करते हैं 460, एससी की बात करते हैं 375, एसटी की बात करते हैं 285। तो एससी एसटी में वही आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि बीएचएमएस में मेरी कट ऑफ जो आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, इसमें से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बीएचएमएस कोर्स को प्रेफर नहीं करते हैं, इसके बदले वो प्राइवेट बीएमएस लेना प्रेफर करते हैं। इस कारण क्या होता है, चॉइस फिलिंग के कारण, यानी कि बच्चों की डिमांड और चॉइस फिलिंग के कारण
यहाँ पर कट ऑफ में फ्लक्चुएशन आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जो अच्छे कॉलेज है मेरी नजर में, जैसे कि बात करते हैं शुभदीप, वो तो आप सभी को पता है, नो डाउट अच्छा कॉलेज है, फीस भी एकदम ठीक ठाक इसकी। ठीक है, तो अगर मैं शुभदीप की बात करता हूँ तो शुभदीप की तो लगभग यही कट ऑफ जाने वाली है, 490। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 485, ओबीसी की बात करते हैं 450, एससी की बात करते हैं 370, एसटी की बात करते हैं 275। इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 5 कर सकते हैं शुभदीप, शुभदीप की तो लगभग यही जाएगी। बाकी जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है फीमेल को रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, तो जिस कारण मेल और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ जो होती है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। गवर्नमेंट में तो इतना नहीं आता, लेकिन प्राइवेट में लगभग 20-20, 25-25 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो मैं एकदम कॉमन लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है, चाहे आप मेल कैटेगरी को फीमेल कैटेगरी को, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फीमेल कैटेगरी का हर बार मेल कैटेगरी से थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाता है किसी किसी कॉलेज में, मतलब मैक्सिमम कॉलेज में। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है सुखदीप का। वही अगर हम आरडी की बात करते हैं, जनरल 415, आरडी में 28 सीट वैकेंट है, सुखदीप में मात्र 10 सीट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 410, ओबीसी की बात करते हैं 410, एससी 320 और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 230। तो बाकी के जो कॉलेज है वो शुभदीप में प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं, बाकी सब कॉलेज में आप प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, है ना, इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। एलएन में 24 सीट्स वैकेंट है, तो जनरल का 400 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 350, ओबीसी का 340, एससी 315, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 215, इसके आसपास मार्क्स से अगर आप एलएन लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है। मानसरोवर की बात करते हैं, 29 सीट यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, जनरल का 415, ईडब्ल्यूएस 400, 370, ओबीसी एससी की 320 और एसटी की बात करते हैं 220। ठीक है, तो इसके आसपास कट ऑफ रहने वाली है। वही अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ, यहाँ पर मात्र 11 सीट वैकेंट है। अब देखिए आप, कॉर्पोरेट की मैक्सिमम सीट फुल हो गई है ना। और एक बात बताऊँ मैं आपको, कॉर्पोरेट की फीस भले थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मेरे को बच्चों जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो मेरे को कॉर्पोरेट से एक अच्छा रिव्यू देखने को मिला बच्चों की तरफ से। मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर अगर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा ना तो बिल्कुल भी उसको दिक्कत नहीं होगी, मतलब वो खुश हो जाएगा। तो एक प्रकार से कॉर्पोरेट भी अच्छा कॉलेजेस है, थोड़ा नया कॉलेज मानता हूँ इसलिए लोग जो होते हैं इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई गई है, आप देख सकते हैं नया है लेकिन फिर भी श्री साइज से भी अच्छी कट ऑफ लाया है। देखा, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 300, ओबीसी की बात करते हैं 300, एससी 290 और एसटी की बात करते हैं 185। वही अगर मैं सीएसआई की बात करता हूँ, 21 सीट वैकेंट है, तो यहाँ पर जनरल के 350, ईडब्ल्यूएस 310, ओबीसी की वही एससी 270, एसटी 180। ठीक है, तो ये जो चार पांच कॉलेज है, ये वाले जो कॉलेज है पांच शुभदीप को छोड़कर, इसमें आप प्लस माइनस 10 कर सकते हैं और शुभदीप की बात करते हैं प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, इसके आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए फ्री में, जी हाँ फ्री में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर लीजिए, बस आपको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड करना है और मेरे को पर्सनली आपका मार्क्स, आपकी कैटेगरी, ठीक है, और आपका जो भी डिमांड है तो वो भी आप टाइप करके मेरे को भेज दीजिए। कल आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, जैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालूंगा सब लोग मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।